हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का, और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2nd यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले भाग में हमने देखा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था इससे पहले वाले भाग में। तो आज हम उसी से आगे का पार्ट हल करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक आप समझें, जिस प्रकार से आप अध्ययन कर रहे हो, उसको आप रेगुलर रखिए और लगातार उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि 11th क्लास में आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो चाहे मैथमेटिक्स हो, उनका सबका बेसिक जो होगा वो हमें 11th क्लास में ही प्राप्त होगा। इसलिए हर पॉइंट को आप गहराई से समझें कि इस पॉइंट का रियल में अर्थ होता क्या है और इस टॉपिक के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज के आगे का भाग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, देखिए भौतिक राशियाँ रियल में होती क्या हैं। कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, तो उस वस्तु या पदार्थ के अंदर कोई ऐसा गुण हो, और हर वस्तु या पदार्थ या कुछ भी हो, जैसे हम खुद भी हैं, तो हमारे अंदर भी कोई ऐसा गुण हो, किसी वस्तु में ऐसा गुण हो, तो भौतिक राशियां जो हैं वो रियल में किसी वस्तु पदार्थ या किसी घटना का एक गुण होता है। अब ये जो गुण है, इस गुण को हम भौतिक राशि कहें, ये कब बोला जाएगा, जब इस गुण का हम मापन कर सकते हैं। इस गुण का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, यानी इसका हम कोई संख्यात्मक मान बता सकते हैं, कोई वैल्यू हम बताएं कि इसका मान 10 है, 20 है, 25 है, कितना है, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या हुई रियल में, किसी वस्तु पदार्थ का क्या है, एक गुण है। वो गुण कौन सा है, ऐसा गुण जिसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, जिसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। और जिस गुण की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब जिसका संख्यात्मक मान नहीं बता सकते, यानी संख्या में मान नहीं बता सकते, वो गुण तो होगा लेकिन वो गुण भौतिक राशि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर है और इस मार्कर को हम नाप सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है, मतलब हम इसका मान बता सकते हैं। तो एक तरह से नापने वाला जो गुण हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसकी लंबाई। तो इस लंबाई को क्या कहेंगे, भौतिक राशि। जैसे एक और व्यवहार में उदाहरण देखें कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का क्या है, वो एक गुण है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितना क्रोध आ रहा है, भाई 5 मीटर लंबा क्रोध आ रहा है, 5 किलोग्राम का क्रोध आ रहा है, यानी हम उसके क्रोध को माप नहीं सकते, उस क्रोध की वैल्यू नहीं बता सकते, उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं बता सकते कि इसकी मात्रा इतनी है। तो इसका मतलब वो जो क्रोध है, वो क्रोध उसका गुण तो है, लेकिन वो जो क्रोध वाला शब्द होगा वो भौतिक राशि नहीं होगा। किसी व्यक्ति के हम धक्का मारते हैं तो कितना धक्का लग रहा है उसको हम बल बोलेंगे आगे चल के, और हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो इसका मतलब आगे चल के जो बल शब्द होगा, जिसको फोर्स कहते हैं, वो भी एक भौतिक राशि होगा। तो यह थी हमारे पास भौतिक राशि की परिभाषा। पुनः दोबारा से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि भौतिक राशि किसी पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू बताई जा सकती है, जिसका संख्यात्मक मान बताया जा सकता है, ऐसे गुण को हम भौतिक राशि कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये रियल में मापन है क्या, वो देखते हैं अब आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अब देखते हैं कि मापन होता क्या है। रियल में मापन जो है वो किसी भौतिक राशि के मान को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। जिस भी भौतिक राशि का हम मान ज्ञात कर रहे हैं, उस मान को संख्या के रूप में व्यक्त करना वो क्या कहलाता है, उसका मेजरमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, कितना लंबा है,
तो इसकी लंबाई बताने को ही हम क्या कहते हैं, उसका मापन कहते हैं। इसका मतलब ये नापने की जो प्रक्रिया है, किसी और मान से तुलना करने की जो प्रक्रिया है, उसी को ही क्या कहते हैं, हम मापन कहते हैं। किसी वस्तु को तोल रहे हैं तो तोल कर कितना वजन हमारे को प्राप्त हो रहा है, ये जो तुलना करने की जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मापन करना कहते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी किसी भौतिक राशि का हम मान ज्ञात करेंगे, जब भी हम किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करेंगे तो उस मान को हम एक अंकों में व्यक्त करते हैं और उस अंकों वाले मान को उसका संख्यात्मक मान या आंकिक मान कहते हैं, जो हमारे अंकों में प्राप्त होगा यानी गिनतियों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु को तोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीनी है और उसकी मात्रा कितनी ली हमने, 3 kg। तो यहाँ पर हमारे पास जो वस्तु है वह वस्तु क्या है, चीनी है। अब हमारे पास उसकी जो मात्रा हम बता रहे हैं वो मात्रा भौतिक राशि है, वो मात्रा क्या है, भौतिक राशि। तो यहाँ पर हमारे पास जो मात्रा है जिसको कि हम द्रव्यमान कहते हैं, और वो द्रव्यमान अभी हमने कितना बताया, 3 kg बताया, और इसका संख्यात्मक मान कितना आया, 3 प्राप्त हुआ। और हमें वो चीनी जो है वो तोल के किससे दे रहा है, बाट से, और बाट की मात्रा हम कितनी मार रहे हैं, 1 kg का बाट, और 1 kg के बाट से हम कितना केजी का बाट बना सकते हैं, 2 kg का, कितने केजी का, 3 kg का, कितने भी केजी का बाट हम बना सकते हैं। तो वो जो बाट बनाए जाएंगे वो शुरुआत हम कितने से करेंगे, 1 kg से। तो अब हमारे पास यहाँ जो 3 kg मात्रा है वो 1 kg का कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो मात्रा हम ज्ञात करेंगे वो मात्रा हम कितने केजी से करेंगे, 1 kg से। तो इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान की जो वैल्यू ज्ञात की गई है, उस वैल्यू की जो तुलना थी वो कितने केजी से की गई है, 1 kg से की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भौतिक राशि का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किसी निश्चित मान से की जाती है। वो मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है या मान निश्चित करने की जो प्रक्रिया है वो एक पहले से निर्धारित किसी मान से की जाती है, और किसी पहले से निर्धारित किसी मान से तुलना करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम मापन कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि मापन जो है वो मापन किसी एक निश्चित मान से तुलना करना होता है। तो यहाँ पर ये जो निश्चित मान हो गया उसको हम मानक मान भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान का मापन करने के लिए जो मान निश्चित किया गया वो मान कौन सा है, केजी है। केजी से हम तुलना करके और मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पहले से निश्चित किया गया मान है उस मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, क्या कहलाएंगे, उसकी यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों परिभाषा एक ही टॉपिक से कंप्लीट हो जाती है कि किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित मान से क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो ये तुलना करना जो होता है वो तो कहलाता है उसका मेजरमेंट, और जिस मान से तुलना की जाती है वो मान क्या कहलाता है, उसका मात्रक। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक पेड़ है और इस पेड़ की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो हमने इस पेड़ को जो नापा, कितनी वैल्यू बताई इसकी लंबाई, 20 मीटर। तो उस भौतिक राशि यानी लंबाई का जो मान है या उसका जो परिमाण है वो तो कितना हो गया, 20। तो अब हमारे पास जो ये 20 हमने नापा है, ये 20 एक मीटर को 20 बार गुणा करने से ही तो प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो 20 मान हमने ज्ञात किया है वो लंबाई 1 मीटर को निश्चित करके ज्ञात किया है। तो यहाँ पर 1 मीटर से मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया थी वो तो कहलाएगी मापन, तथा इसकी लंबाई को नापने के लिए जो मान फिक्स किया गया है
वो कितना है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर जो है वो उस लंबाई का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहां पर मापन की परिभाषा नोट कर ली है और उसके अनुसार क्या है कि किसी निश्चित मानक से, मानक का मतलब है कि पहले से निश्चित किया गया कोई एक ऐसा मान जिस मान से हम उसके जैसे और भी रूप बना सकते हैं, उस मान को हम क्या कहते हैं, मानक। ये ध्यान रखना, एक निश्चित किया गया मान से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन। तो मापन रियल में क्या है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है, अथवा मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की तुलना, यानी उस भौतिक राशि में कितनी मात्रा है, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, कुछ भी हो, की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से, यानी पहले से निर्धारित किए गए किसी मान से की जाती है, तो उसे ही कहते हैं हम मापन करना। जैसे यहां पर उदाहरण अभी आपको बताया कि किसी पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर हमने उसका टोटल मान ज्ञात किया है उस भौतिक राशि का, तो हमने उसकी ऊंचाई नापी है। तो नापने वाली शब्द के लिए हम लंबाई शब्द काम में लेंगे। तो उसकी पेड़ की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई की तुलना हम किससे कर रहे हैं, 1 मीटर से कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 बार रिपीट होता है। दूसरा, मापन करने के लिए, यानी किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए जिस निर्धारित मान का उपयोग किया जाता है, जिस निश्चित मान का उपयोग किया जाता है, जिस मानक वैल्यू का उपयोग किया जाता है, उस निश्चित मान या मानक को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको यहां तक। अब देखते हैं मात्रक की परिभाषा। तो यह हो गई मात्रक की परिभाषा, जो कि अभी आपको बताया कि किसी भौतिक राशि का मापन करना है तो उस मापन के लिए जो निर्धारित मान किया जाता है, और निर्धारित किया गया मान भी ऐसा मान होता है कि जिसके हम अनेक प्रतिरूप बना सकते हैं, मतलब उससे तुलना कर करके वैसे ही हम और मान बना सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान, या पूर्व में निश्चित किए गए मान, या निर्धारित किए गए जो मान होते हैं, उन मानों को ही क्या कहा जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक लाइन खींची गई है, और इस लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई जो है वो तो हो गई भौतिक राशि, क्योंकि हम इसकी लंबाई का मान बता सकते हैं रियल में कितना होगा, और यदि हम उसका संख्यात्मक मान बता सकते हैं तो वो हो गया भौतिक राशि, यानी लंबाई हो गई भौतिक राशि। इसका मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगा आपके मापन, और जिससे तुलना करके ये मान ज्ञात किया जाएगा वो कहलाएगा उसका मात्रक। ये जो लाइन हमने खींची है वो माना कि हमारे पास 5 मीटर लंबी लाइन है, तो हमारे पास इसकी लंबाई का ये जो मान 5 है, जिसको हम संख्यात्मक मान कहते हैं, उसको उस भौतिक राशि का आंकिक मान भी कहते हैं। तुलना हमने किससे की, मीटर से, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है ये पहले से फिक्स करके रखा गया है। तो कितना होता है 1 मीटर, हम इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे आगे चलकर, जो कि आपके बुक में दिया भी गया है कि 1 मीटर कितना होता है, 1 kg कितना होता है, उनका हम विस्तार से थोड़ा आगे अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो लंबाई नापी हमने 5, वो 5 जो हमने नापा है, इसका मतलब यहाँ पर जो मीटर था, 1 मीटर हमारे पास सबसे फिक्स मान हो गया, यानी एक निश्चित मान कितना हो गया, 1 मीटर। और अब हमारे पास 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, ऐसे मान लीजिए कितना मीटर हो गया, 5। तो एक एक मीटर के हमारे पास कितने इससे प्राप्त हो रहे हैं, 5 इससे प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब हमने ये जो टोटल लंबाई ज्ञात की वो किसके मान से तुलना करके ज्ञात की, 1 मीटर से। तो यहाँ पर 5 मीटर है, इसका मतलब यहाँ पर जो मीटर था वो कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके, 5 बार रिपीट हो रहा है। और 5 क्या हो गया उसका आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया उसका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे कि हम मेजरमेंट कहते हैं, और मेजरमेंट के लिए जिस मान को फिक्स किया गया था उस मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो एक पॉइंट और इससे रिलेटेड हो जाता है कि मात्रक जो है वो किसका आता है, भौतिक राशि का। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, मात्रक की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि का ये जो मैंने मान लिखा 5, तो क्या 5 से आप ये बता सकते हो कि ये किस भौतिक राशि के बारे में बताना चाहता है,
बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि पाँच की तुलना हमने किसी से की नहीं है। यदि हम पाँच की तुलना एक केजी से करते हैं तो हमारे पास में हो गया पाँच गुणा एक केजी बराबर कितना, पाँच केजी। और केजी जो मान निश्चित किया गया वो कौन सी भौतिक राशि के लिए निश्चित किया गया, द्रव्यमान के लिए। इसका मतलब ये जो पाँच था अब इस स्थिति में किसका मान हो जाएगा, द्रव्यमान का। तो जैसे ही हमने केजी शब्द लगाया हमारे को पता चल गया कि द्रव्यमान वाली भौतिक राशि है। यदि हमने नापने से रिलेटेड पॉइंट लिया तो पाँच की तुलना हम एक मीटर से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, पाँच मीटर। तो अब हमारे को ये पता चल जाएगा इस मीटर से कि ये जो पाँच जो मान था वो कौन सी भौतिक राशि का था, लंबाई का था। तो किसी भी भौतिक राशि की ढंग से व्याख्या अगर करनी है तो उसकी व्याख्या उसके मात्रक से ही कर सकते हैं, बिना मात्रक के हम उस भौतिक राशि के बारे में नहीं बता सकते। कि यहाँ पर जो पाँच लिखा है ये पाँच सिर्फ गिनतियों की एक संख्या है, यानी किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि किस भौतिक राशि का ये मान है। ठीक है, तो बिना मात्रक के हम भौतिक राशि की व्याख्या नहीं कर सकते। यह हो गई मात्रक की परिभाषा। उदाहरण यदि हम देखते हैं तो उदाहरण हमारे पास में है कि जैसे मान लीजिए कि लंबाई या दूरी का जो मात्रक होगा वह मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे ही द्रव्यमान का यदि हम मात्रक लेते हैं तो वह किलोग्राम होता है, और मीटर को दर्शाते हैं छोटे एम से और इसको दर्शाते हैं केजी से। आगे हम ये हल करते हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई मान लीजिए 15 मीटर है, तो यहाँ पर 15 जो होगा वह इसका आंकिक मान कहलाएगा, तथा एक मीटर जो शब्द बना, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 गुणा एक मीटर, तो यहाँ एक मीटर निश्चित किया गया मान, इसको क्या कहेंगे, इसका मात्रक। तो एक मीटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 15 बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि ये रियल में आंकिक मान होता क्या है। इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ पर कि आंकिक मान किसी भौतिक राशि का वह मान होता है जो हमें यह बताता है कि उस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो मात्रक कितनी बार रिपीट हुआ है, वो मात्रक कितनी बार रिपीट हुआ है, वही कहलाता है उसका आंकिक मान। यदि मैंने यहाँ पर लिखा 5 केजी, तो यहाँ पर हो गया 5 गुणा 1 केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी। तो हम ये बता सकते हैं कि द्रव्यमान का आंकिक मान कितना है, 5, क्योंकि उसका मात्रक केजी था और वो केजी कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार। तो किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एक ऐसी संख्या होती है जो यह बताती है कि उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार रिपीट हुआ है, या उस मापन की प्रक्रिया में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, वही कहलाता है उसका आंकिक मान। तो यह हो गया हमारे पास मापन, मात्रक की परिभाषा और इसका बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक तो वे होते हैं कि जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं कि जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। सेम वही प्रक्रिया है कि मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, वे राशियाँ जो कि मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो यहाँ पर हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के ही हैं। तो हमारे पास जब व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल राशि पर डिपेंड है तो इनके मात्रक भी डिपेंड होंगे किसके ऊपर, इनके मात्रकों पर। तो जैसे हमारे पास मूल भौतिक राशियाँ 3 थी, हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो अब इनके जो मात्रक होंगे वो हमारे पास में है केजी, मीटर और सेकंड। हमारे पास जब भी तोलने वाली राशि के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास तोलने से संबंधित किसी गुण का अध्ययन किया जाएगा जिसको कि हम द्रव्यमान में लेंगे, तो उसके लिए हम केजी निश्चित मान मानते हैं। ऐसे ही जब लंबाई का मापन किया जाएगा तो चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ये शब्द आपके लंबाई से रिलेटेड हैं।
तो इनका मापन करने के लिए जो मान निश्चित किया गया है, और निश्चित किया गया मान क्या कहलाता है, उसका मात्रक। तो इसके लिए जो मान निश्चित किया गया है वो कौन सा है, मीटर है। समय का मात्र क्या होगा, सेकंड। तो ये तो हो गया हमारे पास मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कौन कौन से हो गया हमारे पास, केजी, मीटर व सेकंड। तो तीन मूल भौतिक राशियां हैं, तो तीन ही मूल मात्रक होंगे। अब ये जो मात्रक हमारे पास निकलेंगे वो इन तीनों मात्रकों से ही बनेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है चाल, तो चाल क्या है, एक भौतिक राशि है। और चाल का सूत्र जो हमने पीछे वाले भाग में देखा था वो होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूरी जो है वो दूरी दो वस्तुओं के बीच की लंबाई होती है। तो इसका मतलब दूरी जो है वो नापने वाली राशि हो गई, और नापने वाली राशि के लिए जो मान निश्चित किया गया है वो कौन सा है, मीटर। तो यहाँ पर दूरी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मीटर, और बटे में क्या चल रहा है, समय, और समय को मैं क्या लिख दूंगा, एस, यानी समय का मात्र क्या है, सेकेंड। तो आप चाहें तो एस को ऊपर ले जा सकते हैं, एम इसके पावर एक है, ऊपर जब जाएगा तो हमारे पास माइनस एक। तो हम इसको बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यानी यहाँ से बोल सकते हैं मीटर, माइनस का मतलब ये बता रहा है कि वो अपोन में था, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और राशि, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो भौतिक राशि है, वो किससे मिलके बनी, लंबाई और चौड़ाई से। तो हमें ज्ञात करना है इसका मात्रक। तो देखिए मात्रक क्या होगा, लंबाई जो है वो एक नापने वाली राशि है, और नापने वाली राशि के लिए मान कौन सा फिक्स किया गया है, मीटर। तो लंबाई का मात्र क्या हो गया, मीटर, गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई भी तो नापने वाली ही एक राशि है भाई, लंबाई लीजिए चाहे चौड़ाई लीजिए, चाहे ऊंचाई लीजिए चाहे गहराई लीजिए, ये सभी की सब नापने से रिलेटेड हैं, और नापने से रिलेटेड जो राशि होगी उसके लिए मान कौन सा फिक्स हुआ, मीटर। तोलने से संबंधित जो रिलेटेड राशि बनेगी उसका मान कौन सा फिक्स किया गया, केजी। और टाइम से रिलेटेड जो शब्द यूज करेंगे उसके लिए कौन सा मात्रक होगा, एस, यानी सेकंड। तो यहाँ पर चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ एम और एम दोनों आधार सेम है, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक। तो यहाँ पर एम दोनों आधार सेम है, पावर एक और पावर एक, तो पावर्स की यहाँ पर जोड़ बाकी हो जाएगी। तो यहाँ पर एम की घात कितना हो जाएगा, दो। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो मात्रक बना मीटर पर सेकंड वो इन्हीं में से मिलके बना है, यानी ये जो मात्रक था वो इस पे डिपेंड हुआ। यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो है, यानी मीटर जो है वो इसी में है, इसका मतलब क्षेत्रफल का जो मात्रक मीटर स्क्वायर है वो भी किससे मिलके बना हुआ है, मूल मात्रकों से। तो यही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है कि ये आपके मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक पीछे का भी लिया, आज का भी लिया, जिसमें हमने अध्ययन किया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि भौतिक राशि किसी पदार्थ, वस्तु या किसी भी घटना का एक ऐसा गुण होता है कि जिस गुण का मापन किया जा सकता है, मतलब उसका हम एक संख्यात्मक मान दे सकते हैं, तो वो गुण रियल में क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती थी, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। हमारे पास जिस भौतिक राशि का हम संख्यात्मक मान निकाल रहे हैं, तो वो संख्यात्मक मान निकालने की जो प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया किसी निश्चित किए गए मान से तुलना करके निकाली जाती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती थी मेजरमेंट। और जो निश्चित मान किया गया था तुलना करने के लिए, किसके लिए, भौतिक राशि के लिए, तो उस निश्चित मान को क्या कहेंगे हम, मात्रक कहेंगे, यानी यूनिट कहेंगे। और राशियों के लिए हमारे पास यूनिट प्राप्त हुई, इसका मतलब राशियां जब हमारे पास दो प्रकार की बनी, तो इसका मतलब मात्रक भी दो प्रकार के होंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। परिभाषा हमने यहाँ पर नोट कर दिए, तीन मात्रक यहाँ पर थे और इन्हीं से मिलके ये वाले मात्रक बनेंगे। आगे देखेंगे हम इसके अलग अलग भाग। तो नापने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम मीटर ही यूज करें, हम किलोमीटर भी यूज करते हैं, फुट भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर, इंच वगैरह, ये काफ़ी हम नापने के लिए शब्द यूज करते हैं, जबकि हमारे को यहाँ पर बोला गया कि मीटर ही फिक्स हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास उन मात्रकों को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब किस जगह पर कौन सा मात्रक काम में लेना है, तो वो टॉपिक हमारे पास में आ जाएगा, मात्रकों की पद्धतियाँ, वो देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, नेक्स्ट में देखेंगे इसके आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।